चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया है। शिवपुरी के करैरा में बारिश ने कई गांवों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश और बाढ़ के कारण कई घर पूरी तरह से बह गए हैं। घरों में रखे सामान भी बाढ़ में बह गए। महुआर नदी में आए उफान के कारण आसपास के गांवों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालात ये है कि अब ग्रामीणों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। अब ऐसे में लोग आसपास के लोगों से मांग कर खाने को मजबूर हैं। जी नदी आई, ये पूरा मकान वगैरह बह गया, सब ये सब सामान बह गया, गल्ला भी बह गया, जेवर भी बह गया, कपड़े भी बह गए, वारे खड़े रह गए। दो दिन बाद नदी उतरी तो हमने देखा, कछुआ अभी भी देखा तो ये कुशवा लोगों ने हमारा सामान पकड़ लिया, कह रहे हमारे खेत में आया है, हम नहीं देंगे। तो हमने कुछ नहीं दिया है, तो गल्ला मतलब सब बह गया है, हमें ऐसे ही वारे खड़े रह गए, बच्चे ने ऐसे ही लैंड। जब नदी आई, जब आप कहाँ थे? हाँ हम यहाँ आ गई थी, हमने सोचा इतनी नदी नहीं आएगी, एकदम नदी आई, हम बच्चे लेके अपने ऊपर पानी फेंको भागे। जो नदी आई 10-11 बजे के बीच पे, तो हम तो तुम कहो हमने कई के मोनीवान खोले, चलो ऊपर चढ़े हम पार गया फेंको पानी, यहाँ बिल्कुल घूटन के ऊपर चढ़ गया। तो मैंने कई जिनसे कहा तुम के बाहर खोल गए थोड़ो वह सामान काट लू, बोली सामान नहीं काट रहे, बोली तो भाग ले ऊपर को, सो मुँह हल्को मोड़ा खचूर कर ले रहा मोनीवान पकड़ कर ले गए, तो कछु नहीं काटा ना, बोली गेट खोले जैसे मकान गिर पा रहा पाए ऊपर भड़ाक बापा न दब जे, सो नहीं नहीं उड़ा है हमें ना हम उड़े, हम तो अपा मोनीवान लेके खड़ गए ऊपर, सो पत्थर पे जान के बैठा ला अपा मोनीवान सब रात ऊपर काट दई बैठे बैठे नेक नेक से मोनीवान ला ला गरीब। ये तो गलत है। खबर पर अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ करेरा से संवाददाता राजेश नरवरिया जुड़ चुके हैं। राजेश, प्रदेश में बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और करेरा की भी तस्वीरें हमने देखी, जहां कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। क्या कुछ अपडेट है वहां बाढ़ को लेकर, कितना नुकसान वहां हुआ है? जी मैं आपको बता दूं कि करेरा के शिवपुरी में जो बाढ़ के हालात पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश के कारण नदी नाले यहाँ पर उफान पर आ गए और कई मकान भी बह गए, तो कई लोगों के घर से बेघर हो गए हैं, खाने को मोहताज हैं लोग। जी बिल्कुल राजेश, जैसा कि आपने बताया लोगों के घरों का सामान भी बह गया है, घर भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं लोगों की पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो लोगों के खाने पीने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई भी मदद अभी तक की गई है? नहीं मैम, कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की ओर से, अभी तक कोई प्रशासन वहाँ पर देखने भी नहीं आया है। लोग कई दिन से भूखे भी डले हुए हैं, जिनके पास राशन पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनके घर तो बुरी तरह से तबाह हो गए हैं, आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं जी। इस तरह से सामान भी नहीं रहा है, उनके जेवरात जो भी घर में सामान था पूरा सामान बह गया पानी में। जी बिल्कुल राजेश, करेरा कैसे कई गांव हैं जहां पर बाढ़ से हालात इतने ज्यादा खराब हुए हैं, लोगों के घर हम देख रहे हैं पूरी तरह से टूट चुके हैं, कितना कुछ नुकसान देखा जा रहा है, क्योंकि जितनी तस्वीरें हमने देखी हैं लगभग पूरे घर लोगों के तबाह हो चुके हैं। जी मैम, करेरा के आसपास जितने गांव हैं, जैसे कि सिल्लारपुर है, चियोर के पास पुला है, इधर टीला है, कई गाँव बुरी तरह से तबाही हुई है जी बाढ़ के कारण। जी महुआर नदी के किनारे जो भी आसपास जो गांव आते हैं, मैम सभी गांव तबाह हो गए हैं बुरी तरह। जी बिल्कुल राजेश, ये तो बाढ़ के बाद के हालात हैं जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी पानी को लेकर वहां क्या स्थिति देखी जा रही है, जो आसपास की जो नदियां हैं वहां की क्या स्थिति है, साथ ही बारिश को लेकर मौसम को लेकर जानना चाहेंगे किस तरह का मौसम वहां बना हुआ है? जी मैम, मौसम की बात करें तो लगातार यहाँ पर अभी भी काले बादल छाए हुए हैं, लगातार थोड़ी बहुत बारिश भी यहाँ कभी कभार हो जाती है। और नदियों की बात करें तो नदियां जो उफान पर थी, नदियों में अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, अब नदियां खाली हो चुकी हैं पूरी तरह से, लोगों को पानी से डर अभी भी लेकिन बना हुआ है, कहीं ना कहीं खतरा तो है लोगों के मन में कि कभी भी नदी आ सकती है अब दोबारा से, एक बार जो लोगों के घर तहस-नहस हो गए तो वो डर के खतरे में जी रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, अब लोगों के पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है, ना ही हम देख रहे हैं रहने के लिए घर है, किस तरह से लोग अपना गुजर बसर करना शुरू किया है, लोग किस तरह से अभी, क्योंकि उस हालत में फिर से जाना जैसे पहले वो घरों में रहते थे, अभी तो संभव नहीं कि तुरंत वैसी स्थिति आ जाए, लेकिन अभी क्या स्थिति है, लोग किस तरह से अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जीवन यापन ये मैम, कहीं सरकारी स्कूलों में पहुंच गए हैं लोग, कहीं बक्के, कहीं कोई कहा अपने रिश्तेदारियों में जो गाँव डूबने नहीं है उधर अपने क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं मैम, सामान उनके पास कुछ बचा नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे, खाली घर छोड़ के निकल गए मैम, वो तो बच्चों को लेकर अपने।
जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने प्रदेश में बारिश के चलते, और शिवपुरी के करैरा में भी कई गांवों को नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, खाने पीने की जो चीजें थी घरों में, जो भी सामान था वो भी बह चुका है, और अब हालात ये हो गए हैं कि लोग दूसरों से मांग कर खाने को मजबूर हैं। फिलहाल अभी तक प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं की गई है, चाहे लोगों के रहने को लेकर हो, चाहे खाने पीने को लेकर हो। लोग खुद ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, पड़ोसियों से मांग रहे हैं, दूसरों से मांग रहे हैं, उसके बाद अपने जीवन चला रहे हैं। और वहीं बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी वहां से पलायन कर चुके हैं, अपने बच्चों को लेकर उन गांवों से दूर भी जा चुके हैं।